ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग करते हैं, और अगर सरकार ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान नहीं करती है तो कम से कम गृह प्रखंड को छोड़कर अगल बगल के प्रखंडों में अपना ऑप्शन मांग के करना चाहिए। हमने इसकी भी मांग की है। सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। शिक्षकों के जो नए ट्रांसफर पोस्टिंग के नीति आए हैं उसको लेकर शिक्षक काफी नाखुश हैं, और आप शिक्षा मंत्री से भी है जाकर मुलाकात की थी, क्या बातचीत हुई? कई बिंदुओं पर मेरी आपत्ति है, और यह जो शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए जो अधिसूचना जारी हुई है इसमें बहुत सारी खामियां हैं, और उस आपत्ति के साथ हमने मुख्यमंत्री जी से भी लिखित रूप में आग्रह किया था, समय भी मांगा था, समय नहीं मिला, लेकिन लिखित रूप में आग्रह किया है कि आप इसमें बदलाव लाएं, क्योंकि और उसी की प्रति लेकर हमने आज शिक्षा मंत्री से भी बिंदुवार बात की कि जैसे इन्होंने सदन में भी आश्वासन दिया मेरे ही सवाल पर कि जो बीमार हैं, जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हम प्राथमिकता के तहत पदस्थापन करें, लेकिन जो अधिसूचना में जो प्रावधान लाए हैं उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान है कि हमको तो लगता है कि जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, कैंसर से, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, रोज डायलिसिस उनको कराना पड़ता है, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान करना चाहिए, लेकिन शर्तों के साथ उनके भी स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात कि इन्होंने ये कहा कि हम आधार बनाएंगे बीमारी का कि कौन बीमार रहेंगे जिसके आधार पर आपको हम इन शर्तों के तहत हम पदस्थापन करेंगे या स्थानांतरण करेंगे, उसमें पति पत्नी और बच्चे को शामिल किया है, जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी कि किसी भी शिक्षक का माँ बाप जब बीमार पड़ेगा, स्वाभाविक है ओल्ड एज में बीमारी उन्हीं को ज़्यादा ग्रसित हो से वो ग्रसित होंगे और उन्हीं को ही सेवा की आवश्यकता होगी, तो जब माँ बाप के लिए किसी शिक्षक को अपने पुत्र को ऐच्छिक स्थानांतरण या शर्तों के साथ जो प्रावधान किया गया है या नहीं किया जाएगा तो इसका क्या लाभ शिक्षकों को मिल पाएगा, तो ये भी एक खामियां है। दूसरी बात कि हमने ये भी कहा है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर होना है उसमें पति के स्थान पर ही पत्नी का स्थानांतरण किया जाएगा, क्यों पत्नी जहां है वहां पति का क्यों नहीं होगा, इसलिए उसमें भी पति पत्नी दोनों के नाम को जोड़ना चाहिए था जो नहीं जोड़ा गया है, और आम पुरुष नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास कर गए उनको गृह अनुमंडल में पदस्थापन नहीं किया जाए, हम लोगों ने पहले भी कहा था और आज पुनः कह रहे हैं। इस कई ऐसे जिले हैं जिसमें एक ही अनुमंडल है, एक ही अनुमंडल हम कह रहे हैं कि तो तब तो इसका मतलब कि वैसे जिले जहां 8 ऐसे जिले हैं पूरे बिहार में जहां एक ही अनुमंडल है तो उनको जिला बदर किया जाएगा, जब गृह अनुमंडल को छोड़कर पदस्थापना होगी तो उनको जिला बदर किया जाएगा, मतलब दूसरे जिले में किया जाएगा, तो ये सब खामियां बड़ी खामियां हैं, और हम लोगों ने कहा है कि गृह अनुमंडल की बात क्यों करें, गृह प्रखंड की बात करें और तब शिक्षकों को ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी। ऐसे तो हम तो मांग कर रहे थे ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे थे कि ऐच्छिक स्थानांतरण करें, और गवाह है कि बिहार में एक बार 1995 में मास ट्रांसफर हुआ था माध्यमिक शिक्षकों का, और उस समय जो शिक्षा माध्यमिक शिक्षा चरमराई है भी पटरी पर आ गई, वो आज तक पटरी पर नहीं आ सकती है, उसका बड़ा कारण है, इसलिए हम ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग करते हैं, और अगर सरकार ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान नहीं करती है तो कम से कम गृह प्रखंड को छोड़कर अगल बगल के प्रखंडों में अपना ऑप्शन मांग के करना चाहिए, हमने इसकी भी मांग की है। शिक्षा मंत्री से आज आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं मिला, वो तो कहें कि हम फिर मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आप लोग भी बात कीजिए। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि चूंकि इस अधिसूचना के फाइल पर मुख्यमंत्री का आदेश है तो बिना उनके होगा नहीं, हम भी समझते हैं कि बिना उनके नहीं होगा, इसलिए हम लोग भी मुख्यमंत्री से आने वाले दिनों में हम स्मारक पत्र के जवाब से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है संतुष्ट, वो तो एक तरह से अपना हाथ उठा दिए, वो कहे मुख्यमंत्री से बात कीजिए,
मुख्यमंत्री के निर्देश के पश्चात ही हम कुछ कर सकते हैं। मेरे स्तर चूंकि इस संचिका पर मुख्यमंत्री का की सहमति है तो बिना उनके सहमति के हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। सही भी माने हैं, जब आपने लेटर भी मुख्यमंत्री को लिखा, मिलने जाएंगे उनसे? बिल्कुल जाएंगे, समय भी मांगे हैं, फिर मांगेंगे दुर्गा पूजा के बाद, हम समय मांगेंगे। आखिर शिक्षकों के साथ लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? पहले जो निवर्तमान के पाठक थे, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, अब नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बन गए, उसके बाद भी शिक्षकों के साथ लगातार शिक्षक कर रहे हैं कि प्रताड़ित हो रहे हैं विभाग के अंदर? हम बिल्कुल प्रताड़ित तो महसूस करता ही है शिक्षक, और जब इस मानसिक स्थिति में शिक्षक रहेगा तो कैसे उन शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ली जा सकती है? ये अधिकारियों की सोच है, और चूंकि हम तो समझते हैं कि इस पर शिक्षाविदों से राय लेनी चाहिए थी, शिक्षाविदों से राय नहीं लेकर इन नौकरशाहों पर ही सरकार ज़्यादा निर्भर रहकर और ऐसी ऐसी अधिसूचना निकाली है जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, और इसी के बदलाव के लिए हम आग्रह किए हैं और मिले भी हैं और आगे भी मुख्यमंत्री से मिलने की बात। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या आप लोग आंदोलन के लिए भी उतरेंगे? आंदोलन तो शिक्षक करेगा, शिक्षक संगठन का निर्णय लेगा। हम जरूर है कि शिक्षक अगर आंदोलन पर उतरता है, शिक्षक संगठन अगर आंदोलन खड़ा करता है भविष्य में, तो हम मजबूती से पीछे भी उनके साथ रहे हैं और कल भी उनके साथ हम खड़े रहेंगे। तो नए शिक्षा विभाग जो नए ट्रांसफर पोस्टिंग जो नीति लाई, उसमें यह भी है कि अगर शिक्षक आवाज उठाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा? कहीं इसमें नहीं, ऐसा कहीं नहीं, इस अधिसूचना में ऐसी बात नहीं है। कभी के पाठक जी के रिजिम में उन्होंने एक पत्र निर्गत किया था कि कोई भी शिक्षक किसी भी संगठन का सदस्य नहीं बन सकता, कोई संगठन नहीं बना सकता, कोई संघर्ष नहीं कर सकता, लेकिन यह संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त है, शिक्षकों को प्राप्त है। और आपको पता होगा कि बीपीएससी से नियुक्त एक महिला जब संगठन बनाने का प्रयास की तो उसको बर्खास्त किया गया था। हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने के पाठक जी के उस आदेश को वह खारिज कर दिया। तो संगठन बनाने का हमारा संवैधानिक अधिकार जो है, किसी भी सेवा संवर्ग के कर्मियों को वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता, और संगठन का रजिस्ट्रेशन कोई शिक्षा विभाग से नहीं मिलता है, यह लेबर डिपार्टमेंट का काम है। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ या प्राथमिक शिक्षक संघ जो बिहार में हैं, इन शिक्षकों के दोनों के रजिस्टर्ड संगठन हैं, और उसके सदस्य जो हैं उनको यह अधिकार है कि वह लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है। चलिए, सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, अपने रहे निज फाउंडेशन के।